गाइस हम लोग मैहर से स्टेशन के बाहर निकल चुके हैं और ये यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेशन की रिपेयरिंग चल रही है और ये थोड़ा कुछ नया होने वाला है यहाँ पे। और ये जो गेट देख रहे हो ये एग्जिट गेट है। यहाँ से शुरुआत होती है हमारी जर्नी मैहर के मंदिर के लिए। खाने के बाद मैंने चाय ली है। चाय पीने के बाद मैंने देखा ये गौ माता भी यहाँ पर आ चुकी है फिलहाल अपने भोजन की तलाश में। अभी हम लोग यहाँ से मंदिर जाने के लिए रिक्शा पकड़ रहे हैं और रिक्शा पकड़ने के बाद में अभी भाई हमारे साथ ही है। यहाँ से मंदिर जाने में कितना समय लगेगा और कितना डिस्टेंस है आप बता सकते हो? यहाँ से मंदिर जाने में अगर ऑटो से जाएंगे तो आपको 10 मिनट लगेगा। अच्छा जी हाँ, पदयात्रा अगर करेंगे तो कम से कम मिनिमम आधे घंटे आपको लग जाएगा क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर मंदिर धाम है। अच्छा, और मंदिर 4 बजे शुरू हो जाती है आप बोल रहे? 4 बजे से नीचे का गेट खुलता है, 5 बजे मंदिर के ऊपर का गेट खुलता है। अच्छा, और रोप वे कब चालू होता है? सुबह 7 बजे मॉर्निंग टाइम रोप वे चालू होता है। तो इस तरह से है, अंकल ने हमें सब बताया है। फ्रेंकली जब आना है भैया आज का है ना, जो भी जो जैसा दिखता है वो वैसा होता है। खैर भगवान, देखिए श्री राम भगवान बोल ही गए हैं कि भाई निप्या और जिप्या संभाल कर रखेंगे दुनिया तुम्हारी, कहीं भी रह सकते हैं आप संसार साकार। मैं तो यही रहता अपना नियत साफ होना चाहिए। जीवा बोलते हैं नहीं, ये है जिप्या और ये है निप्या, अगर इसको आप संभाल लेगा तो दुनिया की ताकत आपको गलत नहीं बोलेगी। लेकिन तो वही चीज़ तो है, अगर इसको जब संभालना है तो भाई नियत खराब भी ना करना पड़ेगी। कुछ तो सवाल ही नहीं उठता किसी को नहीं। आप ही मुझे बताओ, बोल भी रहे छोटा सा छोटा ही पाप पीना आगे जाके तुम्हारा पाप बढ़ रही है। चार बजे से मार्केट शुरू हो जाता है, थोड़ी बहुत दुकानें खुली है। सुबह के 3 बजे से बताओ पब्लिक पैदल चल रही है। ये सब देख के लगता है हम लोग जान गए। हम लोगों ने यहाँ पर अपना स्नान वगैरह कर लिया है और जैसे ही आप लोग पीछे देख सकते हो यहाँ पर स्नान वगैरह करने का पूरा इंतजाम है और इधर सामान वगैरह। गाइस हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं वहाँ पर जाकर अभी हम लोग ने शुरू किया है और अभी हम लोग यहाँ से चलते हुए देख सकते हैं आप लोग ऊपर जा रहे हैं। सब लोग उसी रास्ते पे जा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी है और फिर क्या हालत होगी वो देखते हैं। ये एंट्रेंस है मंदिर का, यहाँ से शुरू होता है मंदिर का लाइन। देख सकते हैं यहाँ पर मंदिरों के अंदर भी दुकान है। अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी लंबा सफर है। तो जैसे आपने देखा इस तरह से स्वागत होते हैं। सुबह सुबह हम लोगों ने आरती
शुरू कर दिए। वैसे भी राहुल इतने टाइम पे आरती मिल जाती है ना सुबह सुबह जल्दी आने पे। बजरंगबली और श्री गणेश द्वार पर हैं माता के, और यहीं पे से हम शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा सीढ़ियों की। इधर ही इधर से इस तरह से परिक्रमा की जाती है। मैंने दर्शन कर लिया है और आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, और अंदर कैमरा चालू करना अलाउड नहीं था तो मैं चालू नहीं कर पाया, लेकिन दर्शन मैंने कर लिया है। वापस मैं एग्जिट गेट से बाहर जाऊँगा मुझे। यहाँ पे गाइस अंदर और भी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये पूरा जो माहौल है मंदिर में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग भी आओगे। पूरे 1000 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ जो चढ़नी है और उसके बाद में ये आपको देखने मिलता है, तो आइए देखिए। ये वो रोप वे जो यहाँ से आपको डायरेक्ट इस तरफ लेके जाता है, आपको दिखाते हैं गुफा मार्ग। एक मिनट, आप देख सकते हो एक तरह का शॉर्टकट है, जो लोग सीढ़ियों से नहीं आना चाहते वो इस तरह से आते हैं। इसी तरह आज का व्लॉग खत्म होता है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। डेली लाइफ आगे को आगे भी और बहुत सारे एडवेंचर फुल वीडियो आएंगे।